नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटसी दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में टी आर एस रॉयल स्टार्स वर्सेस एफ एल के बीच जो फैनकोट इस बसिलोना का आज का दिन का पहला मैच मैच स्टार्ट होने वाला है एक बजे गाइस हाईली टारगेटेड रहेंगे ग्रैंड लीग्स बट कुछ हम लोग पंथ स्मॉल लीग के पिक्स भी डिस्कस करूंगा मैं अपना ऑब्जर्वेशन इस सीरीज के रिलेटेड और इस मैच में कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करके आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हो वो भी बताने वाला हूँ फालको ने अब तक टूर्नामेंट में छः मैचेस खेले जहाँ पे दो विन किया केबल और चार हारा है इनके ओपोनेंट टी आर एस श्रीनीता रॉयल स्टार्स ने अब तक इस टूर्नामेंट में आठ मैचेस खेल चुके हैं जहाँ पे इन्होंने चार मैचेस जीते चार हारा है तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लेवल की टीम है डेप्थ एनालिसिस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइक like करके स्टार्ट रखना इस मैच के रिलेटेड फाइनल अपडेट और डेमो टीम आपको मिलने वाला है टेलीग्राम पे ग्रैंड रैलिक्स की टीम भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको टेलीग्राम पे तो जुड़ जाना टेलीग्राम इसके लिए डिस्क्रिप्शन वाला लिंक यूज करो आई थिंक बेस्ट होगा चाहो तो कॉमेंट सेक्शन में जो ब्लू कलर का लिंक मिलेगा उससे भी टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो और चाहो तो सर्च एट द नेट लगा के टीम सेफ डेफ बिना कहीं स्पेस लगाते हुए इस मैच के एनालिसिस में आता हूँ एक बजे इंडियन टाइम मैच स्टार्ट होगा वन ट्वेंटी रन एवरेज स्कोर सत्ताईस मैचेस हो चुके हैं ट्वेंटी एट नंबर मैच चल रहा है सोलह बैट फर्स्ट ने विन किया ग्यारह बैट सेकंड मतलब चेजिंग टीम ने विन किया टी आर एस से देखोगे तो सुफियान अंसर आपको ओपन करते हुए देखेगा देखो ये बंदा ओपन कर रहा है साथ साथ दो ओवर डाल रहा है सबसे सेफेस्ट कैप्टन है बट बैटिंग से और भी बेटर परफॉर्मेंस इनसे कैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और प्लेयर अच्छा है तो कैफ डी बैक कर सकती है हशीम मीर अली ले लो डिसेंट है सेफ है उसामा शहजाद का विकेट गिर रहा है इन इस टीम का मिड ऑर्डर में विकेट गिर रहा है मतलब ओपोनेंट का जो बॉलर मिड ओवर में बॉलिंग डालेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा मोहम्मद रफे बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकता है लेस सिलेक्टेड है तो आपको रखना है ये कहाँ पे मिलेंगे मिलेंगे फिलहाल बॉलिंग सेक्शन में अमीर हमजा ये हटर है कभी वन डाउन आते है, कभी टू डाउन कभी थ्री डाउन बैटिंग पोजीशन का कोई ठीक ठिकाना नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर उसामा शहजाद नहीं खेला तो ये बंदा वन डाउन खेल सकता है ग्रैंड लीग पंथ बनेगा अदरवाइज तो ड्रॉप कर देंगे अकील हंसान मेरे हिसाब से वेरी डिसेंट पिक बढ़िया कैफ वी है बट वो सिर्फ बॉलिंग से पॉइंट दे रहा है और बैटिंग थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा नीचे कर रहा है बट स्टिल वेरी डिसेंट पिक स्पेशली इफ दे बैट फर्स्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ इफ दे बैट फर्स्ट इनको जरूर कैफ वी आप बना सकते हो अली मेड डिसेंट पीक है जो कंसिस्टेंटली तो विकेट नहीं निकाल रहा है बट बीच बीच में विकेट निकाल रहा है अगर आप सेफ जाना चाहते हो स्मॉली खेल रहे हो तो रखो रैली खेलो तो रोटेट करना मोहसिन जो डिफॉल्ट है मेरे हिसाब से आया समेत लेना है तो बॉल फर्स्ट लो सेकंड इनिंग्स में ड्रॉप करना बीच बीच में इनको एक आधा विकेट मिल जाता है जो रीजन बहुत ज़्यादा कैस प्ले करता है वो है कि ये डेथ में जब बॉलिंग करते हैं विकेट मिल जाते हैं ये इनके कुछ प्लेयर्स है जो फिलहाल बेंच में है ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई लग नहीं रहा ओपनिंग बॉलिंग कौन कराएगा मोहसिन से नजर कराएगा सुफियान अंसर और अकील अंसर के साथ टेत में सूफियान करा सकता है बहुत ही शानदार कैप्टन है चंदा का अकील है फिलहाल मेरा सूफियान है इनके साथ अली मीर आ जाते हैं मोहम्मद रफिया है। आ जाते हैं ठीक है ना ये इनके पास के रिकॉर्ड है अकीिल अंसर बॉलिंग फर्स्ट सॉरी बैटिंग फर्स्ट बढ़िया कैप्टन है क्योंकि वो बॉलिंग तो दो ओवर देगा अगर बैटिंग फर्स्ट किया ना बीस पच्चीस रन भी बैटिंग से बना सकता है अगर इनको बैटिंग करने का मौका मिला बढ़िया हिटर है पास का रिकॉर्ड है चाहो तो आपके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो फाल्को से देखोगे कि नईम हुसैन ओपन करेंगे मोस्ट प्रोबली अदिल सरवार के साथ इनका ना जो बैटिंग है वो चल नहीं रहा है नईम देखो एक आधा और इनिंग्स इनका बढ़िया था बट अब कंसिस्टेंट स्कोर नहीं है अधिल सरोवर भी जो सबसे बड़ा बैट्समैन है इस टीम का वो भी कंसिस्टेंट नहीं है जुलकंडन हैदर बहुत ही शानदार कैप्टन वाइस कैप्टन पीक है क्योंकि देखो सीनियर प्लेयर है मुझे याद आ रहा है आइडियल काम है बट ये बैटिंग से हिटिंग करा, बॉलिंग से बॉलिंग करा, तो करा, बैटिंग से करा रहा है तो अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन बनता है शाहबाज अहमद एक और पिक इस टीम का मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है और इनके ओपोनेंट का पावर प्ले के बैट्समैन मतलब टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है मिड ऑर्डर वीक है तो ध्यान दो मिडल ओवर के बॉलर को आप ओपोनेंट वाला टीम से इग्नोर कर सकते हो और इस टीम के मिडिल ओवर के बॉलर को टारगेट करो ओपोनेंट के पावर प्ले के बॉलर को टारगेट करना तनवीर इकबाल फिर आएंगे मिडिल ऑर्डर में दिलावर वेरी डिसेंट पीक है चाहो तो रख सकते हो मेरे हिसाब से रखना सेफ होगा क्योंकि हीटिंग करा सकता है इस टीम का बैटिंग पावर प्ले में इशू हो रहा है तो टीम इनसे ना एज ओपनर भी प्ले करा सकता है और तब ये बढ़िया कैप्टन बन जाएगा मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग में यूज़ करो एज कैपीसी मोहम्मद शराज रजाकत अली आदिल हरीफ समको विकेट मिल ही जाता है तो कैसे अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है आप इनके फेवर में वन साइडेड बना रहे हो तो आदिल हरीफ को लो सेकंड इनिंग्स में ड्रॉप और ये इनके पास कुछ प्लेयर है जो बेंच पे है फिलहाल ओपनिंग बॉलिंग आदिल इजाज शहबाज शहबासथ में कौन कराएगा आदिल आरीफ शाहबाज अहमद और गाइस रजागत अली रजागत अली तो हमेशा बॉलिंग करते नहीं है तो मान के चलो आदिल कराएगा शाहबाज कराएगा और दिलावर भी आ सकते हैं डेड ओवर्स में बॉलिंग डालने ठीक है ना रजागत अली कभी कभी बॉलिंग करता है कभी कभी नहीं करता है ये इनके पास के रिकॉर्ड है चाहो तो आपके अकॉर्डिंग दोस्तों रिव्यू कर सकते हो इनके रिकॉर्ड्स फ़िलहाल दोस्तों ये रहेगा मेरा टीम जहाँ पे सुफियान कैप्टन है वाइस कैप्टन है अकील अंसर दो पीक है ऐसे जिसको मैं से ग्रैंड लीग में जरूर यूज़ करूँगा वो कौन है जुलकन हैदर शाबाश मतलब बहुत ही अच्छा पीक है एस आमेद भी बहुत अच्छा पिक है और तीसरा प्लेयर मोहम्मद रफे थोड़ा इनका गैस श्योरिटी नहीं है बट इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा गैस मैच रहेगा जैसे कि वो हिटिंग करा सकता है बॉलिंग करा सकता है जैसे कि ये दो बंदा रहा ना इस टीम के लिए ये दो बंदे हैं ध्यान देना ये रहेगा मेरा फिलहाल टीम कोई भी और अपडेट होगा डेमो टीम वगैरह टेलीग्राम पे शेयर करूंगा ये एक ऐसे पीक है जिसके साथ रोटेशन करने वाला हूं मैं आपको बोल दूंगा टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस कौन सा बॉलर खेल रहा है और कौन सा टीम का बॉलिंग फर्स्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी और अपडेट होगा डेमोटिव होगा शेयर मिल जाएगा टेलीग्राम पे तो जुड़ जाना वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम थैंक यू एस मिलते हैं मैच टाइम पर